have studied about the limits of the civil disobedience movement, and in that topic we have seen that about the Dalit people and the Muslims people. Okay, तो दलित पीपल के बारे में हमने देखा था कि जो दलित पीपल थे कांग्रेस ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था. सबसे पहले तो उनको इग्नोर किया था, बट गांधी जी जो थे, गांधी जी ने चीजों को रियलाइज किया था. गांधी जी सेड दैट इफ वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर विद द दलित तो हाउ कुड वी गॉट इंडिपेंडेंट. हमें इंडिपेंडेंट कैसे मिलेगा, स्वराज कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें दलित का भी उतना ही सपोर्ट चाहिए. सो द गांधी जी कॉल्ड द दलित एज अ हरिजन. हरिजन मीन्स गॉड गॉड चिल्ड्रन मीन्स भगवान के बच्चे. फिर हमने देखा था कि दलित वर नॉट अलाउड टू एंटर इन टेम्पल, पब्लिक पार्क, स्कूल, गार्डन, जितने भी हैं उनके जो हायर कैटेगरी से बिलोंग करते थे उस एरिया में दलित को एंट्री नहीं थी. बट गांधी जी ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई और उन्हें एंट्री करवाई टेंपल में. एज वेल एज गांधी जी ने खुद टॉयलेट क्लीन किया, भांगी का काम किया जिसे हम स्वीपर कहते हैं, और इस तरीके से जो ये थे दलित लोगों की कंडीशन को उन्होंने इम्प्रूव किया. फिर हम देखते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने डिफरेंस क्लास एसोसिएशन फॉर्म किया था दलित के लिए. मीन्स वो चाहते थे कि दलित लोगों को क्या मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्ट्रोड मिलना चाहिए. मीन्स उनका सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए, एक उनके लिए सेपरेट असेंबली होनी चाहिए. बट गांधी जी डिड नॉट अग्री विद हिम. गांधी जी उनके साथ अग्री नहीं थे. 1930 में गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में क्लैशेस हुए थे जब गवर्नमेंट वेन द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की थी तो उसे गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था. गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था कि वो चाहते थे कि जो दलित है, दलित और हायर कास्ट के जो लोग हैं साथ में मिलकर वर्क करें. उन्हें लग रहा था अगर दलित और हायर कास्ट सेपरेट इलेक्ट्रेट मिल जाएगा तो इनमें कभी भी यूनिटी नहीं आएगी. और इसी के तरीके से गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में पैक्ट हुआ जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट, जिसमें डिसाइड किया गया कि असेंबली में सीट्स रिजर्व की जाएगी. किसके लिए, दलित लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रखी जाएगी. इस तरीके से क्या किया था, प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था. डिप्रेस्ड क्लासेस के जो प्रॉब्लम्स थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको सीट्स मिलेंगी बट देवर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्शन. लेकिन उनका जो इलेक्शन होगा कैसे होगा, जनरल इलेक्शन होगा. इस तरीके से हमने देखा था. फिर मुस्लिम्स, पहले तो हमने देखा था इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत इशू देवर द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज आर वर्क टुगेदर. वो साथ में थे, उन्होंने देवर वर्किंग टुगेदर फॉर द स्वराज, स्वराज के लिए साथ में काम किया था. बट मुस्लिम्स को अब लगने लगा था, धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था कि जो कांग्रेस है हमें इग्नोर कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदू महासभा को सपोर्ट किया था, फॉर्म किया था. तो उनको लग रहा था कि ज़्यादा ध्यान किसकी ओर दे रहे हैं, हिंदू कैटेगरीज के तरफ दे रहे हैं, और ये हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं. इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. हिंदू एंड मुस्लिम के जो रिलेशंस है धीरे धीरे और ख़राब होने लगे. दोनों के बीच के जो रिलेशंस थे उसमें और दूरी आने लगी थी. और जो मुस्लिम लीडर्स ने क्या किया था कि एक निगोशिएशन, कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में निगोशिएशन होने का डिसाइड किया गया था. उसमें लग भी रहा था कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी. बट जो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा था, सेपरेट इलेक्ट्रेट के डिमांड की थी. किसके लिए, मुस्लिम के लिए. बट उसके लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं थी निगोशिएशन करने के लिए. उनका कहना ये था कि सेपरेट तो इलेक्ट्रोल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको सेम काउंसिल इलेक्शन में, काउंसिल असेंबली में आपको सीट रिजर्व मिलेगी. ये डिमांड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने. फिर उसके बाद उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, जहाँ पे उनकी क्वांटिटी जितनी होगी उतने तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा. जैसे बंगाल और पंजाब में ज़्यादा है मुस्लिम की क्वांटिटी, तो रिप्रेजेंटेशन भी वैसा ही होगा. इस टाइप से डिमांड की गई थी मोहम्मद
अली जिन्ना की तरफ से, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुस्लिम के बीच का जो दरार है वो दूर हो जाएगा। बट जो एमआर जयकर थे वो टोटली उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि ऐसी कोई भी डिमांड आपकी पूरी नहीं की जाएगी। तो इसकी वजह से अब जो मुसलमान थे मुस्लिम थे वो चिढ़ गए थे, आग को बुला हो गए थे। सिविल डिसऑर्डर स्टार्टेड, देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशियस एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटी। अब जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में साथ में काम करने वाली दो कम्युनिटीज थी, उस कम्युनिटीज के बीच में अब एक मेक के लिए क्या होने लगे, सस्पिशियस मीन्स एक मेक को सस्पेंस की तरफ से देखने लगे, एक मेक को वो डिस्ट्रस्ट के नज़र से देखने लगे, मीन्स कोई भी किसी के ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं था और वो कांग्रेस से अपने आप को अलग करने लगे थे मुस्लिम्स। उनको लग रहा था कि हम बिल्कुल भी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर हमारे लिए हम क्या है, फ्यूचर में हम माइनॉरिटी में आएंगे, हमारा छोटा सा ग्रुप है माइनॉरिटी में आएंगे, और माइनॉरिटी में आने की वजह से जो ये बड़े ग्रुप वाले हैं जो हिंदूज वो क्या करेंगे, मेजोरिटी वाले हमें दबाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर ही नहीं है, तो क्यों हम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट ले। And they feared that the cultural identity of minority would be submerged. उनको लगने लगा कि हमारा जो कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, वो इनके अंदर सबमर्ज हो जाएगी, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं पे भी रहेगा नहीं, हमारा खुद का जो पोजिशन है वो नहीं रहेगा, एंड जो हिंदू है हिंदू का डोमिनेशन रहेगा, इस तरीके से मुस्लिम्स को लगने लगा था। तो ये हमारा सारा था प्रीवियस पार्ट के बारे में। तो लेट अस सी टुडेज टॉपिक एंड दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, वी विल एक्सप्लेन आवर दिस टॉपिक। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग, सिंबल अराउज नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकंड, ही केम टू मदरलैंड, वंदे मातरम बिगिन टू बी सर्व वाइडली इन नेशनलिस्ट मूवमेंट। History began to be reinterpreted. Indians began to write about their glorious past and how the colonial master degraded it. अब देखते हैं कि sense of collective belonging कैसे आने लगी। लोग तैयार थे कि नहीं थे कि हमें एक साथ work करना है। Nationalism spread when people begin to believe that they all are सेम नेशन। नेशनलिस्ट की फीलिंग तभी आएगी जब लोगों को विश्वास लगेगा कि हम क्या है, सेम नेशन से बिलोंग करते हो, आप कल्चर और ट्रेडिशनल आप मिस जो भी हमारी चीज़ें हैं उसे क्या है, एक जैसी है। जब तक ये फीलिंग लोगों के बीच में आएगी नहीं तो हमारे में नेशनलिस्ट की फीलिंग कैसे क्रिएट होगी। तो इसीलिए सबसे पहले वी वॉन्ट टू डिस्कवर द यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। सबसे पहले हमें लोगों के बीच में क्या ढूंढना है, द यूनिटी ढूंढना है, एंड देन चेंज देयर माइंडसेट, उनका माइंडसेट चेंज करना है, उनके माइंड को हमें क्या करना है कि यूनिटी, यूनिटी की फीलिंग क्रिएट करना है कि वी ऑल आर इक्वल, एंड हाउ डिड पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जब हम देखते हैं इन आर इंडिया, हियर आर द वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, एंड इन दिस सिचुएशन हाउ इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम एंड व्हाट आर लीडर डन टू क्रिएट द कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी और कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट करने के लिए हमारे लीडर्स ने क्या किया था। तो हमारे लीडर्स ने क्या किया था कि दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जो लोगों को स्ट्रगल किया था उन्होंने उसको, उनको जो एक्सपीरियंस आया उस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे लोगों के बीच में यूनिटी क्रिएट की। बट देयर वेर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस, हमने देखा बहुत कल्चर है, वेराइटी ऑफ लोगों के बीच में कल्चर है, वेराइटी ऑफ लोगों के बीच में इमेजिनेशन है। तो इसके लिए लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हिस्ट्री, लोगों को हिस्ट्री बताई, लोगों को फिक्शंस बताए, लोगों को फोक लोर बताए, लोगों को सॉन्ग बताए और सिंबल्स ऐसे बनाए जिससे लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो। आज हम हमारा सॉन्ग गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, नेशनल सॉन्ग गाते हैं, उस समय देखना कि बॉडी में एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही वाइब्रेशन होता है। हम
जब भी अपने नेशन के ऊपर के सॉन्ग सुनते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में अलग वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो उन्होंने यही चीज़ों को, हमारी हिस्ट्री को याद दिलाया, लोगों को फिक्शन कहानियाँ बताया, फ्रॉकलोर लोग गीत के द्वारा लोगों को एक साथ लाया, सॉन्ग के थ्रू लोगों को एक साथ लाया, ऐसे सिम्बॉल्स बनाए कि जिससे लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो जाए। तो इसमें देखते हैं सिम्बल और स्पीकर ऑफ इमेज, उन्होंने अलग अलग इमेज बनाए, हिज हिम टू मदर लैंड वंदे मातरम बिगिन टू बी सम वाइडली नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इसमें बताया गया है कि इट वॉज द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग को ग्रोथ करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन बनाया गया, एंड विजुअलाइजेशन एक विजुअलाइज किया गया जिसके भारत माता की इमेज को बनाया गया ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये भारत माता है, हमारी माँ है, हम सबकी माँ कौन है, भारत माता है। इससे लोगों के बीच में एक यूनिटी आना शुरू हुई है कि मेरी भी माँ भारत माता है, आपकी भी माँ भारत माता है, हम इंडिया में रहते सारी इंडियंस की जो माँ है वो क्या है, भारत माता है। और इसीलिए लोगों को धीरे धीरे यूनिटी आने लगी। इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये जो भारत माता की सबसे पहले इमेज किसके थ्रू बनाई गई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थ्रू इन 1870s में, एंड ही रोट वंदे मातरम एज अ हिम टू द मदरलैंड, उसने 1870s में वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में, एंड लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद, बाद में इसे किसे बताया, किसमें बनाया गया, आनंद नॉवेल में लिखा गया वंदे मातरम, एंड वाइडली सम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट होने लगी तो तब वंदे मातरम ये सॉन्ग गाया गया। आज भी हम जब वंदे मातरम बोलते हैं तो हमारे इसमें एक अलग ही फीलिंग क्रिएट होती है, हमारे लिए नेशन के लिए प्राउड फील होता है, एक पैर क्रिएट होता है कि नहीं हम किस कंट्री में रह रहे हैं, कि हम इंडिया में रह रहे हैं, वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं। तो इस तरीके से लोगों को एकदम इमोशनली अटैच किया गया, भारत माता की पिक्चर बनाकर, वंदे मातरम गाकर, और इस तरीके से सब वाइडली नेशनलिस्ट मोमेंट, मीन्स नेशनलिस्ट मोमेंट में से जोरों जोरों से गाया गया था। एंड देन रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, बाद में उसके बाद भारत माता की इमेज पेंट की किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन दिस पेंटिंग भारत माता, इस ये पेंटिंग में अगर आप देखोगे तो भारत माता को सन्यासी के जैसा बताया गया है, दिखाया गया है भारत माता को सन्यासी के जैसा, कि सन्यासी बनी हुई है भारत माता, एंड एशियटिक फिगर, शी इज काम कंपोज एंड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, मीन्स वो शांत है, डिवाइन है, देवी के जैसी है, स्पिरिचुअलिटी हमें देखने को मिलती है भारत माता के फिगर में। जैसे ही हम आज भी भारत माता की फिगर हमारी नज़र में आती है तो हमें इच्छा होती है कि हम क्या करें, सैल्यूट करें भारत माता को, हमारे दिल से हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि हमारा वो अटैचमेंट है देश के लिए, जो अटैचमेंट है। आज अगर आप देखोगे अमेरिका की जो इमेज है, जर्मनी की, जापान की, कहीं कभी उनका जो सिंबल है उसको आप देखोगे तो आपके दिमाग में कहीं से भी कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, आपके बॉडी में कहीं भी कोई फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब भी आप भारत माता की इमेज देखते हो तो आपके अंदर एक अलग फीलिंग क्रिएट होती है। तो ये सब चीज़ों को हमारे लीडर्स ने यूज़ किया था स्वराज मूवमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि उन लोगों को एक साथ लाना चाहते थे। अगर हम लोगों को कहते कि नहीं आप अलग लैंग्वेज बोल रहे हो, आप अलग लैंग्वेज बोल रहे हो तो भी आप अलग आ सकते हो, तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए लीडर्स ने ऐसे चीज़ों को सिलेक्ट किया, सिम्बॉल्स बनाए कि जिससे सारे लोगों को लगने लगा था कि हम सब एक है। एंड देन इन सबसिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, अगर आप देखोगे तो अलग अलग फॉर्म्स में आपको भारत माता की पिक्चर देखने को मिलती, बाद में अलग अलग पेंटर ने अपने अपने तरीके से उसे बनाने की कोशिश की थी, इन सर्कुलेट इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज पेंटेड बाई डिफरेंट आर्टिस्ट, अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके से भारत माता की इमेज बनाई। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ द नेशनलिज्म, मीन्स ये जो फिगर है भारत माता का ये हमारे नेशनलिज्म के लिए बहुत ही पावरफुल सिंबल रहा, इसने बहुत पावरफुल ऐसा काम किया लोगों को यूनाइट करने का। देन हिस्ट्री बिगेन टू बी रीइंटरप्रेटेड, इंडियंस बिगेन टू राइट
अबाउट देयर ग्लोरियस पास्ट एंड हाउ द कॉलोनियल मास्टर डिग्रेडेड आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू मोमेंट टू रिव्यू इंडियन फ्लॉक लोअर मीन्स इंडिया के जो फ्लॉक लोअर है उसे रिव्यू किया गया फिर से उसे बनाया गया उसे बैलेट्स के बैलेट्स पोएम बनाई गई पोएट के थ्रू गवाया गया उसे पोएट ने अलग अलग ऐसे गाने बनाए एंड फिर उसे अलग अलग एरिया में टूर किया विलेज एरिया में गए उसे उन्होंने गाना गाया वहाँ जाकर अपना जो सॉन्ग था वो गाया ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो जाए नेशनलिज्म से रिलेटेड सॉन्ग लेजेंड्स गाने लगे दिस टेल्स दे बिलीव गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ फ्रीडम और वो पिक्चर वो सॉन्ग्स के थ्रू उन्होंने एक रियलिटी की पिक्चर लाई इंडिया की कि एक्चुअली में इंडिया के लोग कैसे हमारा इंडिया कैसा है इस तरीके से लोगों को दिखाया क्योंकि लोग जो थे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे इंडिया की हिस्ट्री को करप्ट किया था डैमेज किया था हमारे कल्चर को उन्होंने इस टाइप से शो किया था कि हमारे इंडिया का सिविलाइजेशन बहुत भ्रष्ट है खराब है कल्चर अच्छा नहीं है तो ये सब चीज़ों को उनको फिर से रीइंटरप्रेट करना था फिर से लोगों के सामने लाना था और इसके लिए लीडर्स ने वही किया ऐसे कवि लोगों को उन्होंने टूर कराया विलेज एरिया में अलग अलग एरिया में ताकि हमारे इंडिया का कल्चर जो अच्छा अच्छा कल्चर ट्रेडिशन जो हमारे इंडिया का है वो लोगों को पता चले एंड देन उन्होंने फोर्स किया एंड इट वॉज इसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फॉक ट्रेडिशनल इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ये बहुत जरूरी था जो फॉक लोअर है जो लोकगीत है सॉन्ग्स है उसे प्रोटेक्ट करना उसे प्रिजर्व करके रखना ताकि लोगों को लोगों तक के वो पहुंचा सके और लोगों को प्राइड फील हो जब लोग उसे सुनेंगे तो लोगों को प्राइड फील होना चाहिए एंड देन इन वंस पास इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ने शुरू कर दिया इस चीज़ को कलेक्ट करना बैलेट्स को मिस गाथा नर्सरी रीम राइम्स नर्सरी मिस छोटे बच्चों के राइम्स को कलेक्ट करना मीन्स काल्पनिक कथाएं को कलेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया और उसको उन्होंने अपने मोमेंट में लागू किया अपना मोमेंट करते समय उसने उन चीज़ों को सॉरी उन्होंने उन चीज़ों को लोगों के सामने रखी जैसे यहाँ पे बताया गया मद्रास के नताशा शास्त्री पब्लिशर मैसिव फोर वॉल्यूम की बुक उन्होंने पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कलेक्शन किया था तमिल फोक टेल्स का कलेक्शन किया था जिसका नाम है द फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया मीन्स द फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया दिस बुक वॉज रिटन बाय द नताशा शास्त्री इन दैट बुक ही हैड रिटन अबाउट द तमिल फोक टेल्स का उसमें कलेक्शन किया गया फोर वॉल्यूम की वो बुक है एंड ही बिलीव दैट फोक लोर वॉज नेशनल लिटरेचर उनका विश्वास था कि फोक लोर जो है वो नेशन का लिटरेचर है नेशनल लिटरेचर है एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक और इसी से ही लोगों का सबसे बड़ा विश्वास उनका जो एक्सप्रेशंस है उनके जो थॉट्स हैं उनके जो कैरेक्टर है इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया के लोग कैसे थे कितने महान थे कितने ग्रेट थे कितने पावरफुल थे तो मीन्स किस तरीके से हर लीडर ने अपने अपने एरिया में अपने अपने एरिया के फोकलोर सॉन्ग कलेक्ट करना शुरू किए लीडर्स के बारे में लोगों को बताना शुरू किया इंडिया के कल्चर के बारे में ट्रेडिशन के बारे में अपने अपने तरह से किसी ने बुक लिखकर किसी ने सॉन्ग गाकर किसी ने फोकलोर गाकर किसी ने इमेजेस बनाकर अलग अलग तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की और इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के बीच में आई स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी तो उस समय हमने जस्ट अभी देखा कि अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया गया आइकॉन्स का यूज़ किया गया मिस लीडर्स ने जिस चीज़ों का यूज़ करना चाहिए लोगों को यूनाइट करने का सारे चीज़ों का उन्होंने यूज़ करके लोगों को क्या किया यूनाइट किया सिंबल्स से यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देयर फीलिंग उनके फीलिंग को उन्होंने इंस्पायर किया जो किस में काम आई उन्हें नेशनलिज्म में काम आई बाद में ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हुई तो वहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग
लगाया गया, जो पहले कलर था रेड ग्रीन एंड येलो, पहले ट्राई कलर का जो कलर था रेड ग्रीन एंड येलो बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में उसका यूज किया गया, सिंबल बनाया गया उसमें एक लोटस थे, और जो ब्रिटिश इंडिया जो था हमारा उसके एट प्रोविंसेस को दिखाते थे, एट लोटस किसका सिंबल था, एट प्रोविंसेस का क्षेत्र का सिंबल था। देन क्रिसेंट मून था आधा चंद्रमा जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को शो कर रहा था। ये कब बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हुई दैट टाइम द न्यू कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस एंड द कलर ऑफ रेड ग्रीन येलो एंड देयर वर द एट लोटस एंड क्रिसेंट मून एट लोटस शोड द एट प्रोविंसेस ऑफ अंडर द ब्रिटिश इंडिया एंड देन क्रिसेंट मून शोज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी गॉट इट। फिर जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने फिर से डिज़ाइन किया उस फ्लैग को, उन्होंने नया फ्लैग बनवाया, वो भी ट्राई कलर का ही था रेड ग्रीन एंड वाइट, बाद में उसे कैसे बनाया गया रेड ग्रीन एंड वाइट एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, सेंटर पे आज हम देखते हैं स्पिनिंग व्हील चक्र होता है एंड देन रिप्रेजेंटिंग द गांधियन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, इसे रिप्रेजेंट करता है कि गांधी जी की जो आइडिया थी सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प करो मीन्स खुद का काम खुद करो, तो वो उसे शो करता है एंड कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग अलॉफ ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस, और उस समय अगर जब भी वो मार्च करते थे, जब भी वो किसी पे अटैक करने जाते थे, जब भी अपनी मूवमेंट शुरू करते थे, तो उस समय वो उस फ्लैग को लेकर जाते थे और उसमें वो उसे सिंबल जैसा पेश करते थे जो उन्हें डिफेंस करता था। इस तरीके से जो है लीडर्स ने हमारे सिंबल्स का, भारत माता की इमेज का, हमारे फ्लैग का क्या है एक बहुत बड़ा प्रतीक बनाया इसे लोगों को नेशनलिज्म में जोड़ने के लिए। देन द अनादर थिंग वॉज देयर, वहां पे एक अनादर चीज भी थी एक डिफरेंट जो जिन्होंने और इंडिया को नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस में क्रिएट की थी दैट वॉज द री इंटरप्रेटेड ऑफ द हिस्ट्री, जो लीडर्स थे उन्होंने हमारे हिस्ट्री को री इंटरप्रेटेड किया था क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमारी हिस्ट्री को टोटली चेंज कर दिया था, उन्होंने हिस्ट्री में हमारे इंडियंस को बैकवर्ड दिखाया था, प्रीमेटिव दिखाया था, उन्होंने कहा था कि इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग मीन्स गवर्नमेंट चलाने के लायक नहीं इंडिया के लोग, इंडिया के लोग बहुत प्राचीन ख्याल के हैं, इस तरीके से उन्होंने इंडिया के लोगों को निगेटिव तरीके से दिखाया गया था। तब जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया, फिर से लिखा, फिर से उन्होंने लोगों के सामने लाया और उसमें उन्होंने हमारे इंडिया को प्रॉस्परस दिखाया, ग्लोरियस दिखाया, साइंस फील्ड में हमारा इंडिया को डेवलप बताया, मैथमेटिक्स में, रीजन, कल्चर, कल्चर हर चीज़ में देखे तो हमारे इंडियन ने क्या किया उस हिस्ट्री को री इंटरप्रेटेड इंडिया को डेवलप दिखाया, जिससे लोगों को अवेयरनेस हुआ कि नहीं सच में हमारा इंडिया बहुत डेवलप है, हर चीज़ हमारे इंडिया में है, हमें अभी तक के जो बताया जा रहा था वो टोटली गलत चीज़ है, और इसके वजह से भी लोगों के बीच में इंडिया से लेकर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो क्रिएट होने लगी, जो कोलोनाइज पीरियड में तो पूरी तरीके से हमारे इंडिया को डिक्लाइन कर दिया था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन्होंने पूरी तरीके से निगेटिविटी लोगों के बीच में डाल दी थी, तो उसे निकालने का काम किसने किया, हमारे इंडियन लीडर्स ने किया। दिस नेशनलिस्ट स्टोरीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट, और इसलिए अब जो लीडर्स थे, लीडर ने इंडिया को ऐसा शो किया कि लोगों को अब क्या लगने लगा, इंडिया से लेकर प्राइड फील होने लगा कि वी आर इंडियन एंड आर कल्चर इज सुप्रीम, हमारा कल्चर सुप्रीम है, सुपीरियर है अदर कल्चर से, एंड देन द इन द पास्ट स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, और जब ब्रिटिश रूल के अंडर में जो लोगों की लाइफ थी वो अब टोटली चेंज हो चुकी थी क्योंकि लोग अब अपने लिए अवेयर हो चुके थे, लोगों को अब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के बीच में क्रिएट हो चुकी थी, लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, दिस एफर्ट टू यूनिफाई पीपल, और इसी एफर्ट ने लोगों को यूनिफाई किया, वे आर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, मीन्स ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम उनको भी आए, वे इन द पास्ट बींग ग्लोरीफाइड वॉज हिंदू वेन द इमेजेस सेलिब्रेट वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी फेल्ट लेफ्ट आउट, लेकिन जब
दिखने लगा कि वहां पे ज्यादा ज्यादा क्या किया जा रहा है, हिंदू का सिंबल यूज किया जा रहा है, हिंदू की आइडेंटिटी को ज्यादा शो किया जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने उस स्ट्रगल को छोड़ दिया था, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस हिंदू को बताया जा रहा है। मीन्स बहुत से प्रॉब्लम आए थे, ये नहीं कि स्वराज या हमें इंडिपेंडेंस इजीली मिल गया, नहीं, हमें इंडिपेंडेंस के लिए बहुत लड़ना पड़ा। जॉब तक के हमने सारे चैप्टर में यही देखा है कि किस टाइप से हमें इंडिपेंडेंस मिला। गॉट इट? आई होप सो यू अंडरस्टूड टोटल चैप्टर वेरी वेल। यस, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर टोटल चैप्टर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।